देश में लोकसभा चुनाव के दौर के बीच नेता एक दूसरे पर लगातार टिप्पणी करते ही रहते हैं, लेकिन इसी कड़ी में हाल ही में बीजेपी ज्वाइन करने वाले कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व जज अभिजीत गंगोपाध्याय के ममता बनर्जी पर दिए एक बयान पर चुनाव आयोग ने कड़ी आपत्ति जताई है। वहीं अब इस मामले पर चुनाव आयोग ने अभिजीत गंगोपाध्याय को कारण बताओ नोटिस भी थमा दिया है। दरअसल हाल ही में सोशल मीडिया साइट पर अभिजीत गंगोपाध्याय का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे एक जनसभा के दौरान ममता बनर्जी पर भद्दी और आपत्तिजनक टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में अभिजीत कहते हुए सुनाई पड़ते हैं कि टीएमसी का कहना है कि रेखा पात्रा को 2000 रुपए में खरीदा गया था, तो ममता बनर्जी जी आपकी कीमत क्या है? 10 लाख रुपए। और ये भी क्या इसलिए क्योंकि आप अपना मेकअप एक प्रसिद्ध सौंदर्य चिकित्सक से करवाती हैं? वहीं अब अभिजीत गंगोपाध्याय का ये वीडियो वायरल होने के बाद उन्होंने इसकी प्रमाणिकता पर सवाल उठा दिए हैं। उनका कहना है कि जो वीडियो वायरल हो रहा है वो फेक है। हालांकि टीएमसी ने अभिजीत के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की थी, जिसके बाद अब बड़ा एक्शन लेते हुए चुनाव आयोग ने अभिजीत की फटकार लगाई है और उन्हें कारण बताओ नोटिस भी थमा दिया है। वहीं अब उन्हें 20 मई की शाम 5 बजे तक अपना जवाब देना है। साथ ही आपको बताते चलें कि भाजपा ने गंगोपाध्याय को पश्चिम बंगाल की तमलुक सीट से मैदान में उतारा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।